नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। मैं हूं आपके साथ सोनाली तोमर। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम बोलियो राजस्थान में। आज हम बात करेंगे प्रदेश में घूसखोरी के मामले में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। एसीबी लगातार दबिश देते हुए न घूसखोरों पर लगाम लगाने की कोशिश करने में लगे हैं, तो लेकिन आए दिन घूसखोरों के मामले जिस तरह सामने आ रहे हैं उससे लगता है कि इस घूसखोरों को प्रशासन का भी डर नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि कैसे लगेगी घूसखोरों पर रोक? क्या सरकारी दफ्तरों में बिना पैसे दिए नहीं होती है काम? क्या अधिकारी बिना पैसे लिए चक्कर काटते हैं? क्या आपने किसी अधिकारी को काम के बदले पैसे दिए हैं? इन्हीं सभी सवालों के जवाब जानने के लिए बोलियो राजस्थान की टीम ने प्रदेश के अलग अलग शहरों में जाकर लोगों से बात की है और उनकी राय जानी है। सबसे पहले हम चलते हैं कोटा, जहां हमारे संवाददाता ने लोगों से बात की है, उनकी राय जानी है। आपको दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट के जरिए। देश और प्रदेश में रिश्वतखोरी एक बड़ी समस्या बनी हुई है। बाबू से लेकर कलेक्टर तक रिश्वतखोरी के आरोप में जेल जा रहे हैं, मगर घूसखोर अधिकारी पर अभी भी लगाम नहीं लग पा रही है। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ स्कूली बच्चे मौजूद हैं। वो क्या समझते हैं इस भ्रष्टाचार के मामले में और भ्रष्टाचार किस तरह से दिनों दिन देश और प्रदेश की नसों में जमा हुआ है। भ्रष्टाचार के मामले आए दिन अखबार में पढ़ने को और देखने को मिलते होंगे। क्या कुछ समझते हैं और क्या सोचते हैं इसके विषय में? सर, भ्रष्टाचार बहुत बढ़ता जा रहा है। जैसे कोरोना की बारे में हम बात करें तो जब कोरोना में डॉक्टर्स को हमें लेना था तो डॉक्टर्स के हम पास ऐसे गए कि पहचान के बिना तो हम किसी के पास जा ही नहीं सकते। दूसरी बात, अगर हम हमारी खुद की क्लास में हम किसी से पूछें कि आप क्यों पढ़ते हो तो सब बोलते हैं पैसे के लिए। कोई ये नहीं सोचता कि सीखने के लिए या एजुकेशन के लिए। सब लोग पैसे के लिए पढ़ते हैं। सबको ऐसा लगता है कि पैसे से सब कुछ लिया जा सकता है, मटेरियलिस्टिक नॉन मटेरियलिस्टिक कुछ भी पैसे से खरीदा जा सकता है। और इंग्लिश में एक सेइंग है कि करप्शन इज़ लाइक अ स्नोबॉल, इट रोल्स एंड इंक्रीजेज, इट नेवर डिक्रीजेज, इट रोल्स एंड एक्यूमुलेट मोर स्नो एंड इंक्रीजेज। तो करप्शन बढ़ता ही जा रहा है, करप्शन लगातार बढ़ता जा रहा है। आप क्या सोचते हैं, आपके क्या विचार हैं? करप्शन को कम होना चाहिए और इसके लिए हमारी पॉलिटिशियंस वो भी बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि आजकल करप्शन से किसी की लाइफ भी आजकल जा सकती है। हॉस्पिटल्स में अगर जिसके पास पैसा है तो उसका ट्रीटमेंट पहले होगा, और अगर पैसा नहीं है तो हमारे किसी फैमिली मेम्बर की लाइफ भी लगी हुई है। तो इसलिए पॉलिटिशियंस को पॉलिसीज निकालनी चाहिए जिससे ये कम हो। किस तरह के कड़े नियम बनाने चाहिए मैडम के जिससे करप्शन रुक सके? सर, सबसे पहले तो जुडिशरी को इस चीज़ के लिए काफ़ी एक्टिव होना पड़ेगा। जहाँ भी कोई भी केसेस अगर सामने आते हैं तो उसके लिए इतना स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए, तो जो कोई इस बारे में सोचता भी है तो उसकी सोच वहीं ख़त्म हो जाए। इतना स्ट्रिक्ट रूल होना चाहिए। आने वाले टाइम में अगर गवर्नमेंट ऑफिसेज में होते हैं तो उनको उनको वहाँ से हटा देना चाहिए, और उनको दोबारा नौकरी के लिए इस तरह से होना चाहिए कि आगे कभी किसी की हिम्मत ही नहीं हो, वो सोच भी नहीं पाए। क्या आपके भी विचार हैं, जो लोग घूसखोरी में पकड़े जाएँ उन्हें नौकरी से बर्खास्त कर देना चाहिए? हाँ, उन्हें कर देना चाहिए, क्योंकि वो रिश्वत ले रहे हैं हमसे, और लोग डर के दे देते हैं कि हमें दे देना चाहिए रिश्वत कि हमारा काम जल्दी हो जाएगा। और लोगों को भी अवॉइड करना चाहिए और एसीबी में जाना चाहिए कंप्लेन करने कि हम क्यों दे हैं अब रिश्वत, जबकि है ना वो काम फ्री में हो सकता है तो हम क्यों उसके लिए पैसे दें। बिल्कुल, देखो बच्ची बहुत खूब बात बोली है कि कहीं ना कहीं रिश्वतखोरी के लिए एक विभाग बना हुआ है एसीबी, और एसीबी के पास जाना चाहिए और उसकी शिकायत भी वहाँ पर दर्ज करानी चाहिए। ये घूसखोरी का जो आलम है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, लगातार आए दिन केसेस भी सामने आ रहे हैं, इसको बढ़ाने का जिम्मेदार कौन है आखिरकार? हम लोग हैं। हम लोग खुद गलतियाँ करते हैं, ट्रैफिक रूल्स तोड़ते हैं और उन्हें घूस देकर बच जाते हैं। हम अपने बच्चों को भी यही शिक्षा देते हैं। कोई कोई पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों को बचाने के लिए घूसखोर देते हैं। कोई कोई मतलब बहुत बढ़ गया ये, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें मतलब शिक्षा देनी चाहिए अपने बच्चों को, खुद भी ये लागू करना चाहिए कि हमें घूस नहीं लेनी है। तो घूसखोर अधिकारियों के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई की मांग करते हैं आप, जिससे आने वाली युवा पीढ़ी का भविष्य सुनिश्चित किया जा सके?
इसलिए पॉलिटिशियंस को या जो जिनका ये काम है कि जिनको ये रिश्वत दी जा रही है उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाए बड़ा से बड़ा, ताकि वो खुद सोचे कि हमें ये रिश्वत नहीं लेनी चाहिए और उनका खुद का वो होना चाहिए कि हाँ हम जो काम कर रहे हैं वो हमारे देश के लिए कर रहे हैं और ये गलत काम हमें नहीं करना चाहिए, हमें ब्राइब नहीं लेनी चाहिए और उनके लिए गवर्नमेंट को अच्छे से अच्छा कोई राइट्स या कोई एक्शंस लेने चाहिए, उनके ऊपर कोई राइट निकालने चाहिए कि अगर जो जिसके पास नॉलेज है वो तो आगे ही नहीं पढ़ पाता है इसकी वजह से, जो दूसरे जिनके पास पैसा है वो आगे बढ़ जाते हैं और जिसकी जिनके लिए वो है जिनका वो राइट है वो तो आगे बढ़ ही नहीं पा रहा है, उनका फ्यूचर ख़राब हो रहा है और जो ब्राइब देते हैं उनका उनकी खुद की जनरेशन पर भी वो असर पड़ता है कि हाँ देखो उन्होंने ब्राइब दिया तो अपन भी उस चीज़ को देके आगे बढ़ सकते हैं, तो हमें इसको अवॉइड करना चाहिए, इसको रोकना चाहिए। अगर हमें हमसे कोई रिश्वत ले रहा है तो अपन को जाके कंप्लेन करनी चाहिए और अगर अपन किसी को देखते हैं ब्राइब देते हुए तो हमें भी इसके लिए भी कंप्लेन करनी चाहिए ताकि वो आगे से वो ना करे वो चीज़ें। जिस तरह से हिंदुस्तान में न्यायपालिका की व्यवस्था है, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचारी वाले जो अधिकारी हैं वो पकड़े भी जाते हैं मगर न्यायपालिका के सहारे वो लोग छूट जाते हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी वो लोग छूट जाते हैं क्योंकि उनके पास पावर होती है, पैसा होता है तो उसके बेस पे वो छूट जाते हैं और उनको ऑफिसर जो उनके ऊपर होते हैं उनको ऐसा छोड़ना नहीं चाहिए, उनके जो गलती होती है उसके अकॉर्डिंग उन्हें पनिशमेंट मिलना चाहिए और हमें ये चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए क्योंकि लगातार न्यूज़पेपर्स में ऐसी खबरें आ रही हैं और ऐसा सुनाई भी दे रहा है कि भ्रष्टाचार बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है, लोग घूस देकर जो डिज़र्व करते हैं वो नहीं आगे जा पाते हैं, जो ब्राइटेस्ट स्टूडेंट होते हैं और जो लोग जो पीछे रहते हैं जिनके पास पैसा होता है उनके पास टैलेंट नहीं होता है वो आगे चल जाते हैं पैसे दे के, और हमें जितना हो सके उसे इतना अवॉइड ही करना चाहिए और हम किसी को देखते हैं ज़्यादा रिश्वत देते हुए लेते हुए तो हमें ABC में कंप्लेन करनी चाहिए और हमें इसे अवॉइड ही करना चाहिए। घूसखोर जो अधिकारी होते हैं उनके खिलाफ किस तरह का कानून बनना चाहिए, किस तरह की उनकी सजा देनी चाहिए, क्या उनका सामाजिक बहिष्कार कर देना चाहिए? सामाजिक बहिष्कार से तो कुछ नहीं होगा पर हमारे जो कानून है उसको बहुत सख्त नियम बनाने चाहिए इसके लिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि उनको सामूहिक बहिष्कार के बाद भी वो लोग पैसा दे के सब, मतलब क्योंकि ये कानून बने हुए हैं पर फिर भी उनको कोई पालन नहीं करता है। आज अगर हमारे देश में एक कानून इतनी मुश्किल से बनता है नेता उसमें से 10 लूप होल्स निकाल लेते हैं बाहर निकलने के लिए, और जिस तरह से हमारा करप्शन चल रहा है ये और बड़ा होता ही जाएगा अगर हम लोग कोई एक्शन नहीं लेंगे। जब तक हम लोग कोई एक्शन नहीं लेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता, हम अगर सही नेता नहीं चूज़ करेंगे तब कुछ नहीं हो सकता। किस तरह का जटिल कानून होना चाहिए घूसखोरों के खिलाफ? कम से कम नहीं करके भी उनकी सारी जो काला धन और सारा जो काली संपत्ति जो उन्होंने काले धन से बनाई है वो सारी जब्त कर लेनी चाहिए, और जो गरीब है जिनके पास सही में पैसे नहीं है उनमें बांट देने चाहिए और अच्छे कामों में लगाने चाहिए, और उनको कम से कम नहीं करके भी 7-8 साल की जेल होनी चाहिए और बहुत रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट होनी चाहिए वो ईजिली लूप होल निकाल के और नॉन अवेलेबल होना चाहिए कि वो ईजिली निकाल ही ना पाए अपने आप को। बिल्कुल, घूसखोर जो अधिकारी हैं उनके खिलाफ नॉन अवेलेबल धाराओं में मुकदमा दर्ज हो, जल्दी से वो हिरासत से SEBI के चुंगल से ना निकले। एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि घूसखोर अधिकारी जो है वो आगे भी ऐसे अधिकारियों को पनपाते जा रहे हैं, क्योंकि जो देखते हैं सिस्टम का एक हिस्सा है और सिस्टम का हिस्सा हर आदमी बनना चाहता है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? पहले हमें देखना चाहिए कि ये घूसखोर क्यों होता है, ये क्यों होता है। कारण सबसे पहली कारण है कि हमारा देश गरीब है, जो डेवलप्ड कंट्री है हमारा देश तो करप्शन के तरफ से शायद 14th या 15th होता है, 180 जो देश है इंडिपेंडेंट कंट्री में हमारा इंडिया 14th या 15th होता है मोस्ट करप्टेड कंट्री में के अंदर। ये कारण है सबसे पॉवर्टी, ये पॉवर्टी के कारण में ये होता है कि ब्रिटेन ये सब देश अगर जो डेवलप्ड कंट्री है वो पर देखे तो उनके एक पुलिस इंस्पेक्टर या एक PI ऑफिसर जो काम करते हैं उनका फीस बहुत ज़्यादा है तो उनके घूस के ज़रूरत नहीं पड़ता, हमारे घूसखोर की ज़रूरत है क्योंकि उनका फीस कम है या उनके पैसे कम देना पड़ते हैं या फिर उन्हें ज़्यादा नहीं तो ये राजस्थान सरकार में या केंद्र सरकार में जब व्यक्ति नौकरी लगता है तो उसका एक निश्चित अमाउंट तय कर दिया जाता है, उसी अमाउंट पर वो अपनी इच्छा से काम करना चालू करता है, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि अगर आपको पैसा कम मिल रहा है तो आप क्राइम की रफ्तार पकड़ लें। हमें सब चीज़ें ही देखना चाहिए कि क्यों हो रहा है, ये लोग चाहते हैं कि हम ज़्यादा कमाई हो
इसलिए वो घुसखोरी की तरफ जाता है। तो इनके लिए हमें जो रास्ता देखते हैं तो बिल्कुल बच्चों का साफ तौर पर कहना है कि कहीं ना कहीं महत्वाकांक्षाएँ ज़्यादा है, उन महत्वाकांक्षाओं की बलि चढ़ रहे हैं सिद्धांत, जिन सिद्धांतों के जरिए लोग सरकारी नौकरियों में आते हैं उन सिद्धांतों को ताक पर रख कर अपनी विलासता के जीवन जीने के लिए कहीं ना कहीं घूसखोरी का रास्ता अपना लेते हैं। घूसखोरी एक बड़ा मुद्दा है, इस मुद्दे से लड़ने के लिए क्या करना चाहिए? सर, लाइक वी ऑल आर डूइंग मीन्स वी ऑल आर एजुकेटेड, तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें सबसे पहले जो पोजीशंस पे लोग आकर ऐसा करते हैं, जो करप्शन करते हैं, तो हमें उस पोजीशन पे आना चाहिए। फर्स्ट वी हैव टू मेक आर सेल्फ करेक्ट, कि सबसे पहले तो हमें खुद को सही बनाना चाहिए, क्योंकि सर जो भी जैसे लाइक जो भी पॉलिटिशियंस होते हैं, जो भी होते हैं, वो हमारे जैसे ही सिटीजन्स में से बनते हैं, बिकॉज वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। तो सर हमारे कंट्री में डेमोक्रेसी है, सो उसके चलते हमें ही खुद को एक्शंस लेने चाहिए कि हम इतने काबिल बने कि हम आगे जाकर उस पोजीशन पे आएं और खुद को सही कर सकें। बिल्कुल, बहुत खूब बात है कि कहीं ना कहीं अगर घूसखोरी को रोकना है तो आम जनता को जिम्मेदार होना पड़ेगा। जनता जागरूक होगी तो कहीं ना कहीं घूसखोर अफसरों पर भी लगाम लगेगी। कानून है, घूसखोर अधिकारियों के लिए एक डिपार्टमेंट बनाया गया है एसीबी, एसीबी में उसकी शिकायत दर्ज कराइए और ज़्यादा से ज़्यादा घूसखोरी के खिलाफ मुहिम चलाइए, क्योंकि जब तक जनता जागरूक नहीं होगी जब तक ऐसे घूसखोर अफसर जिंदगी भर मजे लेते रहेंगे। कैमरामैन विक्रम सिंह चौहान के साथ राजेंद्र भारद्वाज, इंडिया न्यूज, कोटा। अजमेर से भी हमारे संवाददाता ने लोगों से बात की है और उनकी राय जानी है, आपको दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट के जरिए। एसीबी की जो टीम है लगातार घूसखोरों के खिलाफ कार्रवाई करती आ रही है, बावजूद इसके भी घूसखोरों की जो हरकतें हैं वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। जगह जगह कहीं पे भी देख लो, छोटे से छोटा जो कर्मचारी है, सरकारी कर्मचारी, उससे लेकर बड़े से बड़े अधिकारी तक घूस लेने से बाज नहीं आ रहा है और लगातार वो घूस लेकर अपने काम को अंजाम देता है। इसी क्रम में आज हमारे साथ नगर के कुछ युवा वर्ग और गणमान्य लोग मौजूद हैं, जिनसे हम खास बात करेंगे, उनसे जानना चाहेंगे कि घूसखोरी पर किस तरीके से अंकुश लग सके। इंडिया न्यूज़ राजस्थान में स्वागत है आप सभी का। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि प्रदेश में घूसखोरी की वारदातें खूब सामने आ रही है, किस तरीके से अंकुश लगाया जा सकता है? इसके लिए कानून बहुत सख्त बनना चाहिए और अधिकारी कर्मचारी अगर कोई पकड़ा जाता है रिश्वत के मामले में, उसको छूटना नहीं चाहिए, बाकायदा सज़ा मिलनी चाहिए, हो सकता है नौकरी से भी सस्पेंड कर दे परमानेंट, क्योंकि आज चाहे जन्म प्रमाण पत्र हो, मृत्यु प्रमाण पत्र हो, छोटे छोटे प्रमाण पत्र के लिए भी रिश्वत देनी पड़ती है। तो रिश्वत के ऊपर जैसे हम भी रिश्वत देते हैं, देके उनको प्रोत्साहन करते हैं रिश्वत देकर, तो क्या हम भी इसमें दोषी होते हैं क्या? दोषी तो अपन है ही, लेकिन काम कराना है और काम कराने के लिए रिश्वत देनी पड़ती है, वरना काम नहीं होता है, तो उससे बचने के लिए रिश्वत देना जरूरी भी होता है। देखिए, ये भी एक मजबूरी है, समाज के अंदर इतना बड़ा कलंक हो चुका है घूसखोर के, अगर हमें हमारा काम कराना तो हम खुद घूस दे के हमारा काम करवाने में ज़्यादा प्रोत्साहित करते हैं, सामने वाले को घूस दे के खुद हम प्रोत्साहित करते हैं। आपकी क्या राय इस बारे में? करप्शन के ऊपर मतलब घूस दे के एक तो हम खुद स्वयं प्रोत्साहन करते हैं, जैसा कि भाई साहब ने बोला अभी कि मतलब अपना काम करवाना है तो घूस तो देनी पड़ेगी, और उसमें हम पूरे गुनाहगार हैं। अगर ऐसा होता है तो अपने पास के किसी न्यायालय हुआ और मतलब जैसे भी पुलिस अधीक्षक हुए हैं और जो भी डिपार्टमेंट है, जो भी अपनी कमेटियां बनी हुई हैं, उनसे संपर्क करें, वो ऑटोमेटिक ही उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे और जो भी इसके अंदर मतलब दोषी पाया जाता है उसको बिल्कुल सस्पेंड किया जाए और दंडनीय अपराध चलाए जाए, बिल्कुल दोषी करार देते हुए न्यायालय में उसका मामला हो और बिल्कुल नहीं बख्शा जाए। और जो दो चार उदाहरण समाज में जाएंगे तो उससे और हमें जागरूकता फैलाने की ज़रूरत है, बिल्कुल इस तरह, और कानून सख्त होने चाहिए। बिल्कुल सही बात है कि हमें जागरूकता भी फैलानी है और एजुकेशन की भी बहुत ज़्यादा कमी है, एजुकेशन भी अगर आ जाएगी तो शायद इस पर अंकुश लग सकता है। आपकी क्या राय इस बारे में? एसीबी वाले अगर घूसखोरों को पकड़ते हैं तो फिर वो वापस छूट के वही काम करते हैं, दो चार दिन बाद, पाँच छः दिन बाद ये काम करेंगे वो। इसके ऊपर अब हमारे को सख्त से सख्त कानून बनाना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है, एसीबी जो अपनी कार्रवाई करती है, ताबड़तोड़ लोगों को पकड़ती है घूसखोरी को लेकर के, ये जो घूसखोर थे कुछ दिनों बाद वापस से छूट जाते हैं और वापस अपने वही हरकतों में लिप्त हो जाते हैं, जिससे जो है इनके हौसले और बुलंद होते हैं। आपकी क्या
राय इस बारे में? सर ये होना चाहिए कि कानून सख्त होना चाहिए बिल्कुल इस चीज़ के अंदर, और जब इनको पकड़ा जाए तो पकड़ने के बाद में इनको मतलब छोड़ना नहीं चाहिए, इनके ऊपर बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। इनको छोड़ देते तो वापस वही बात हो जाती है, वापस वही काम करते हैं लोग। देखिए ये बिल्कुल सही बात है कि इनके ऊपर जो कार्रवाई हो बिल्कुल सख्त हो, जिससे इन लोगों में घूसखोरों में एक दहशत का माहौल हो, घूस लेने से डरें, क्योंकि इसका सबसे बड़ा जो अहम रोल है वो ये है कि जब एसीबी इनको पकड़ती है, पुलिस प्रशासन इनको पकड़ता है, पकड़ने के बाद तुरंत ये 2-4 महीने में छूट छाट के वापस बहाल हो जाते हैं और अपनी सीट को वापस संभालते हैं और फिर ज़्यादा हरकतें इस तरीके की करते हैं जिससे वापस से घूसखोर पनपता है। निखिल गुर्जर के साथ जावेद खान, इंडिया न्यूज़, अजमेर। जैसलमेर से भी हमारे संवाददाता ने लोगों से बात की है और उनकी राजधानी है, आपको दिखाते इस खास रिपोर्ट के जरिए। राजस्थान में लगातार घूसखोरी के मामले बढ़ते जा रहे हैं और इन मामलों को लेकर कहीं ना कहीं आम जनता त्रस्त नजर आ रही है। कैसे रुक सकते हैं ये मामले? क्या बिना पैसे दिए काम नहीं हो पाएगा? क्या घूसखोरी कि जो मामले हैं वो यूं ही बढ़ते रहेंगे? इस पर लगाम कैसे लगेगी? इन सभी बातों को लेकर हमारे साथ मौजूद है जैसलमेर के कुछ नागरिक, उनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि कैसे इस पर लगाम लगाई जाती है। जी, घूसखोरी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और लगातार जो है अधिकारी ट्रैप हो रहे हैं, कैसे इस पर रोक लगाई जा सकती है? रोक तो सरकार लगानी चाहिए। सरकार जो है, कोई उनकी जो नीति है वो भी खराब है। सरकार खुद भ्रष्टाचारी है, उसके मंत्री भ्रष्टाचारी है। जिस तरीके से अभी रीड के मामले में आप देख ही रहे हो, तो सरकार में कोई भी डिपार्टमेंट में जाएं उनके ऊपर मॉनिटरिंग ही नहीं है। तो इसीलिए तो सरकार के जो अधिकारी है वो अपनी मंशा चला रहे हैं। सरकार की मंशा जब चला रहे हैं तो यहाँ के लोकल आदमी का काम नहीं होता है, फाइल चलती नहीं है, नियम कानून अड़ा हो जाते हैं, और किसी को अगर पैसा दे दिया जाए तो काम बड़ा ही सरलता से हो जाता है। तो कहने का मतलब सुशासन की व्यवस्था नहीं है, सरकार को बदलनी पड़ेगी। कहीं ना कहीं जाके जब भी सरकार बदलेगी तो लोगों का काम हो पाएगा। सुशासन की व्यवस्था के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं, मैं आपसे ही जानना चाहता हूं कि कभी कैसा कोई ऐसा अनुभव रहा कि क्या आपने कभी कोई घूस देकर या आपके किसी रिश्तेदार ने घूस देकर कोई ऐसा काम करवाया? मैं इसमें नाम तो नहीं लेना चाहता, पर कोई भी डिपार्टमेंट में जाओ बिना पैसे के या अधिकारी को बिना पैसे दिए कोई भी काम नहीं होता। काफ़ी जब से राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार आई है, कोई भी डिपार्टमेंट में जाओ बिना पैसे के काम नहीं होता है। मेरा ये मानना है अगर इस भ्रष्टाचार को रोकना है तो इसके अंदर जो भी लिप्त है, चाहे कोई पार्टी का पदाधिकारी हो, चाहे मंत्री हो, चाहे अधिकारी हो, प्रशासकीय अधिकारी हो, कोई भी हो, उसके अंदर उसको तुरंत प्रभाव से बर्खास्त करके उसको सजा देंगे दिलाएंगे। और दूसरी चीज़, अगर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई होगी तो जनता के अंदर एक अच्छा मैसेज जाएगा और तभी भ्रष्टाचार पर रोक लग पाएगी। जी, लगातार जो है अधिकारियों पर कार्रवाई करने पर ही कोई ऐसा एग्जांपल सेट हो सकता है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि फाइल के अंदर जब तक भार या वजन नहीं रखा जाए या कुछ ऐसा ऑफर नहीं दिया जाए तो टालम टोल की स्थिति बनती है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? एक निश्चित मापदंड निर्धारित किए थे, इस कार्य के लिए कार्य गारंटी अधिनियम लागू किया था, तो उसमें कोई भूमि का नामांतरण हो, किसी का मूल निवास बनाना हो, किसी के आवास से संबंधित काम हो, तो उसके 5 दिन 7 दिन 3 दिन और हर ऑफिस के आगे चार्ट लगा हुआ होता था। आज उस तरीके की कोई कार्य के मापदंड और उसकी मर्यादा का पालना कोई अधिकारी नहीं कर रहा है, और जो घूस देते हैं उनका काम हाथोहाथ हो जाता है, जिसके घूस नहीं मिलता है उसकी टालम टोल चलती रहती है। ऐसी स्थिति में हर जो अपर अधिकारी होते हैं या सरकार होती है उसको मॉनिटरिंग करनी चाहिए, और जो कार्य बिना मतलब और बिना किसी कारण की अधिकारी की वजह से लोगों को परेशान करने, उन अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। और सरकार की अगर नीति साफ हो और कार्य जनता की कार्य करने की इच्छा हो तो ये अधिकारियों के इतने हौसले बढ़ते नहीं हैं। और अधिकारियों की इच्छा, अधिकारियों की जो है हौसले बुलंद नहीं होंगे अगर सरकार की इच्छा जनता के काम करने के लिए होगी। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये घूसखोरी पर लगाम कैसे लग सकती है? क्या इन भ्रष्ट अधिकारियों की नौकरी को तुरंत प्रभाव से खत्म कर देना चाहिए? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि तुरंत प्रभाव से इनकी नौकरी को ख़त्म कर देना चाहिए, लेकिन मैं एक चीज़ और आपसे कहना चाहूँगा। यदि मान लो सरकार की नीयत जीरो टॉलरेंस की है भ्रष्टाचार पर, तो फिर सरकार में कोई भी अधिकारी भ्रष्टाचार करने की हिम्मत नहीं कर सकता। जीरो टॉलरेंस की नीति पर ही कांग्रेस सत्ता में आई थी, लोगों ने वोट, पब्लिक ने उसी जीरो टॉलरेंस की नीति पे दिया था। अशोक जी पे भरोसा करके लोगों ने उसको, उनको मुख्यमंत्री बनाया है
जनता ने सरकार बनाई है, उस सरकार में आज के तारीख में ये स्थिति पैदा कर दी है कि किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर आप चले जाएं, बिना उनकी जेब गर्म किए किसी का भी काम होता नहीं है। मैं तो सरकार से इतना ही विनती कर सकता हूं कि आप जहां कहीं पे भी, जिस प्रकार से आज ही के दिन सोशल मीडिया पे अभी देख रहे थे कि कोटा के अंदर सुल्तानपुरा में 50,000 की घूस लेते हुए एक व्यक्ति पकड़ा गए, मैं तो ये कहना चाहूँगा उससे पहले जोधपुर में ऐसी घटना हुई, उससे पहले भरतपुर में ऐसी घटना हुई, जगह जगह पूरे राजस्थान के अंदर आप दृष्टि देंगे तो इस प्रकार की कई सारी घटनाएं आपको देखने को मिलेगी। सरकार यदि मान लो कड़े कदम उठाकर कोई एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करे कि हमने जीरो टॉलरेंस के नीति के तहत ये पनिशमेंट इन अधिकारियों को या कर्मचारी जो भी भ्रष्ट हैं उनको ये हमने सजा दी है, उसका एग्जाम्पल सेट करेंगे और अच्छा मैसेज देंगे तो बाकी लोगों पे लगाम लगेगी, आम जनता को राहत मिलेगी और लोग भ्रष्टाचार मुक्त अपना काम करवा सकेंगे। लेकिन आज ऐसी स्थिति कहीं नहीं दिख रही। भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई करनी पड़ेगी, सरकार को अधिकारियों को उन नियमों के दिशा निर्देशन पर पालन करने के लिए भी कहीं ना कहीं पाबंद करना पड़ेगा। इंडिया न्यूज के लिए जैसलमेर से रजत कुमार। तो वहीं हनुमानगढ़ से भी हमारे संवाददाता ने लोगों से बात की है, उनकी राय जानी है, आपको दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट के जरिए। राजस्थान प्रदेश में हर रोज एसीपी ट्रैप करती है, हर रोज एसीपी अपनी कार्रवाइयां करती है, लेकिन बावजूद इसके राजस्थान में जो है प्रत्येक जिलों की अगर बात करें तो वहां पर खुलेआम जो है रिश्वत ली जाती है, रिश्वत की राशि जो है सीधे नीचे से लेकर ऊपर तक पहुंचाई जाती है। और कुछ सवाल खड़े होते हैं, क्या बिना रिश्वत के आपका काम नहीं होता? और अगर आप रिश्वत से काम करवाना चाहते हैं या आपका काम रिश्वत से हो रहा है तो क्या रिश्वतखोरों को किस प्रकार की सज़ा मिलनी चाहिए, और इसके लिए क्या अलग से ऐसा कोई और एक्ट या कानून जो है वो बनना चाहिए ताकि जो रिश्वत लेते वक्त जो है वो कहीं ना कहीं वो अधिकारी या वो कर्मचारी जो है कम से कम 4 बार सोचे। सवाल खड़े होते हैं, सवालों का जवाब हम जानना चाहेंगे। हम हनुमानगढ़ की कोर्ट प्रेशर में खड़े हैं जहां हमारे साथ काफ़ी अधिवक्ता मौजूद है, उन्हीं से जान लेते हैं भी रिश्वत को लेकर वो क्या कुछ सोचते हैं। सवाल ये होता है भी रिश्वत को लेकर जो है काफ़ी कुछ बातें सामने आती है, रिश्वत ली जाती है तो क्या इस पर एक्शन होना चाहिए और किस प्रकार से रोका जा सकता है? देखिए, रिश्वत लेना और देना एक आम बात बन गई है भारतीय जनमानस में। रिश्वत देना एक गहराई से बन गया है कि बिना रिश्वत लिए और दिए कोई भी काम जो है वो हो ही नहीं सकता है। बिना, और वास्तविकता भी यही है कि बिना रिश्वत के आज किसी भी सरकारी कार्यालय में चले जाओ, बिना रिश्वत के कोई काम हो ही नहीं सकता। और यदि बिना रिश्वत के कोई काम हुआ भी है तो वो इतना ज़्यादा, इतना लंबा समय से होगा कि उस आदमी का उतना खर्चा लग जाएगा जितना वो शुरुआत में रिश्वत दे करके करवा सकता था। एक दिन में उसी काम को महीने में हो जाएगा, तो उसके वो बात वहीं बैठती है। अब बात रहेगी कि रिश्वतखोरी से छुटकारा कैसे मिले। हिंदुस्तान की समस्या ये हो गई है कि हिंदुस्तान की जनता भ्रष्ट हो गई है या उसे भ्रष्ट बना दिया गया है, ये धारणा बन गई है कि बिना रिश्वत के नहीं होती है। कानून की बात है तो कानून, जो वर्तमान में जो कानून है बिल्कुल बहुत सख्त कानून है, जमानती नहीं होती है, बहुत अच्छी अच्छी कार्रवाई हैं, लेकिन जो गुपचुप तरीके से जो रिश्वत दी जा रही है, लोगों का काम अटका करके लोगों को बाध्य किया जा रहा है, यदि इस पर अंकुश लगे, हर चीज़ पारदर्शी हो, बिल्कुल ऑनलाइन तरीके से हो, हर चीज़ का एक समय निश्चित हो कि ये 24 घंटे में, 48 घंटे में, 5 दिन में, 10 दिन में ये काम इसका होगा ही होगा, सरकारी ऑफिसों को चक्कर लगाने से बिल्कुल मुक्ति कर दिए, मुक्ति दे दी जाए, तो इस रिश्वतखोरी पर अंकुश लगाया जा सकता है। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, इन्होंने कहा भी एक समय निश्चित कर दिया जाए किसी भी काम के लिए, चाहे वो कोई भी काम किसी भी डिपार्टमेंट में करवाने गया हो, अगर उसका समय निश्चित कर दिया जाए, उस समय अवधि में उसका काम हो जाएगा तो जाहिर सी बात है रिश्वत पे थोड़ा बहुत लगाम लगाया जा सकता है। आप क्या सोचते हैं रिश्वत को लेकर, जिस प्रकार से हर रोज़ एसीपी ट्रैप करती है लेकिन बावजूद इसके जो है सुधरने का नाम नहीं? रिश्वत, जैसे कि प्रताप सिंह जी ने बताया कि भी प्रत्येक आदमी को ये हो गया है कि भी रिश्वत दिए बगैर हमारा काम नहीं होगा, और उनके जहन में बिठा दिया गया प्रत्येक कर्मचारी, हर कर्मचारी की बात नहीं है, ये बहुत से कर्मचारी हैं जो इस तरीके से उनको बाउंड कर देते हैं कि भी हमें दोगे तभी आपका काम होगा, और उन्हें काफ़ी हद तक राजनीतिक संरक्षण भी है। जिस तरह से अभी रीट की परीक्षा हुई उसके अंदर उन राजनीति जो जांच है वो रिपोर्ट बता रही है कि भी उन्होंने रिश्वत लेके इस कांड को किया है,
परंतु राजनीतिक संरक्षण होते हुए होने के कारण उसको दबाया जा रहा है, उस मामले को इतना दबा दिया गया है कि भी आज छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और हर छोटे से छोटे कर्मचारी से लेकर बड़े से बड़े अधिकारी तक इस मामले में लिप्त हो जाते हैं। भी जैसे प्रताप सिंह जी ने बताया कि भी इसको पारदर्शिता की जाए, इसको ऑनलाइन किया जाए, उसी तरीके से इसको कम किया जा सकता है। अदरवाइज़ ये रिश्वत का कार्यक्रम तो चल ही रहा है और लोगों को ऐसा ही है कि भी हमारे पे बिना रिश्वत दिए कोई कार्य हो ही नहीं पाता। आप क्या सोचते हैं रिश्वत को लेकर? रिश्वत देने वाले व्यक्ति को खुद को सतर्क होना पड़ेगा। एक बार शुरू में परेशानियां आएगी पर धीरे धीरे समाधान हो जाएगा, पर मुश्किल समय का सामना करके एक बार खुद रुकना पड़ेगा कि भी हम रिश्वत ना दें। इसी तरह खुद सतर्क होंगे तभी रिश्वत रुकेगी। ये वो तमाम लोग थे जिनसे हमने जानने का प्रयास किया और ये पूछने का प्रयास किया कि जिस प्रकार से रिश्वत जो है प्रदेश भर में ज़्यादा बड़ी है, उसे कैसे रोका जा सकता है। और कुछ सवाल थे जिनका जवाब हमने इनसे जानने का प्रयास किया। इन्होंने काफ़ी हद तक ये बताने का प्रयास किया भी, एक तो अगर समय अवधि हर काम के लिए निर्धारित हो जाए तो कहीं ना कहीं जो है रिश्वत थोड़ी कम की जा सकती है। उसी के साथ एक अधिवक्ता ने यह भी बात कही भी कहीं ना कहीं इस बात पर भी ध्यान देना होगा भी जो रिश्वत देने वाला है यानी जो काम करवाने वाला है वो भी खुद अगर जागरूक हो और रिश्वत ना दे और एक प्रेशर करे अपने काम बनाने का तो भी काम हो सकता है। लेकिन एक अधिवक्ता ने यह भी कहा भी इस दौरान जो है वो काफ़ी महीने लग जाते हैं जिसकी वजह से जो रिश्वत में मांगी गई राशि थी उनसे डबल राशि जो है उसके चक्कर लगाने में समाप्त हो जाती है। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि हनुमानगढ़ से लेकर प्रदेश भर में रिश्वत के मामले जो लगातार बढ़ रहे हैं उसमें कब कमी आएगी। हनुमानगढ़ से मेरे सहयोगी गुरुदेव सैनी के साथ कुलदीप शर्मा, इंडिया न्यूज।